एयर सी पी यू कूलर ढूंढ रहे हैं आप, मिड रेंज में चाहिए आपको, आरजीबी इफेक्ट भी होना चाहिए इसके अंदर, अच्छी खासी वारंटी के साथ मिल जाए, मिड टावर चाहिए आपको, रेपुटेटेड ब्रांड भी होना चाहिए और लुक वाइज काफ़ी अच्छा होना चाहिए, स्लिक डिज़ाइन होना चाहिए। वेल, ऐसा कूलर मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट एक कूलर है, चलिए आज मैं बताता हूँ आपसे कि आखिर वो कौन सा कूलर है। वेल हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज हम इसी टाइप के एक कूलर के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर में, जो कि आ जाता है कूलर मास्टर की तरफ से। इसका जो मॉडल है वो है मास्टर एयर MA410M। जी हाँ फ्रेंड्स, ये कूलर मास्टर की तरफ से एक जो है मिड रेंज सेगमेंट का एयर सीपीयू कूलर है फ्रेंड्स, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी अच्छी भी है और काफ़ी कुछ इसके अंदर आपको मिल भी जाता है, जैसे कि आरजीबी भी मिल जाता है आपको, अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी भी मिल जाती है, अच्छी खासी वारंटी के साथ भी मिल जाती है। तो आज इस वीडियो के अंदर में यही सब जानेंगे कि आखिर क्या क्या कंपनी इसके अंदर आपको प्रोवाइड कराता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि इसका जो लुक्स है उसके ऊपर। तो अगर मैं लुक्स की अगर बात करूं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपको लुक में जो है काफ़ी बेहतरीन सा एक कूलर मिल जाता है, जिसको देखते ही आपको पता चल जाएगा कि आखिर जो इसकी लुक है वो क्यों इतना आई कैचिंग लुक है, क्योंकि इसका फ्रंट साइड से आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी खासी लुक आपको फैंस के अंदर भी मिल जाता है। साथ के साथ में अगर आप इसका डिज़ाइन देखेंगे तो मैट फिनिश में डिज़ाइन दिया गया है, जो कि काफ़ी प्रोफेशनल लुक भी देता है इसको। अगर इसके टॉप से अगर आप व्यू देखेंगे तो यहाँ पे टॉप से आप देखेंगे तो आपको टॉप में भी जो है यहाँ पे जो हीट पाइप्स का कटआउट दिया गया है, यहाँ पे भी आपको स्लाइटली काफ़ी अच्छी खासी आरजीबी भी मिल जाती है, और साथ के साथ में सेंटर में जो है आपको कूलर मास्टर का लोगो मिल जाता है, जो कि आपके जो हीट फिन्स हैं उसके अंदर से नीचे तक गया हुआ है, जो कि काफ़ी 3D इफेक्ट के साथ में आपको ये आरजीबी इफेक्ट प्रोवाइड कराता है। अगर इसके साइड की बात करूं तो यहाँ पे आपको साइड में भी काफ़ी अच्छी खासी जो है आरजीबी इफेक्ट मिल जाएगा, तो लुक्स वाइज जो है काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे आपको जो है लुक मिलता है इसके अंदर में। अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी के भी अंदर में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी में जो है आपको फ्रेंड्स ये टोटली जो है आपका मिड टावर और सिंगल टावर में आ जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है सिंगल टावर होने की वजह से जो है इसमें काफ़ी कुछ ऐसा दिया गया है जो कि पूरी तरीके से इसको डिफरेंट बनाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो फिन्स है उसके ऊपर जो है कंपनी ने एक मैट जो है ब्लैक कलर का एक कवर दिया गया, या इसको ऊपर फिन्स की बॉडी भी कह सकते हो आप, जो कि प्रीमियम टाइप की जो है प्लास्टिक से मटेरियल से बनाया गया है, ये इसके ऊपर कवर करता है आपके इसके फिन्स को। इस आपके जो कवर है इसी के अंदर जो है कंपनी की तरफ से दो एलईडी स्ट्रिप यूज की गई है, एक फ्रंट साइड में एक बैक साइड में। ईच एलईडी स्ट्रिप में जो है अप्रॉक्सीमेटली 14 जो है आपका एड्रेसेबल एलईडी आरजीबी एलईडी को यूज किया गया, यानी कि 28 जो है एड्रेसेबल आरजीबी एलईडी यूज किया गया यहाँ पे आपको। यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा आपको कि भाई यहाँ पे दो आपको 120 mm के जो है फैन मिल जाता है। यहाँ पे इस फैन के अंदर में आपको आरजीबी नहीं दिया गया है, बट सिंपल फैन है ये, बट आरजीबी आपका जो है आपके जो बॉडी है इसका प्लास्टिक का उसके अंदर लेफ्ट फ्रंट में और बैक साइड में यूज किया गया है, जिससे पूरा का पूरा जो है आपका कूलर आपका ग्लो करता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल जो है 4 हीट पाइप मिल जाते हैं, जो कि प्योरली कॉपर के बने हुए हैं और जो है ये डायरेक्टली आपके सीपीयू से टच होता है, तो यहाँ पे कूलिंग जो है काफ़ी अच्छी खासी आपको मिलने वाली है फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर बात करें फ्रेंड्स, अगर इसकी वर्किंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर वर्किंग में आप देखेंगे तो वर्किंग में आपको मिल जाता है यहाँ पे पुल पुश कॉन्फ़िगरेशन का जो है सिस्टम मिल जाता है। यहाँ पे आपका एक फैन फ्रंट में लगा है, एक फैन बैक साइड में लगा है, तो एयर जो है ये पुल पुश कॉन्फ़िगरेशन में मिलता है, तो आपकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर आपको बढ़ जाती है। इसकी एक और टेक्नोलॉजी यूज किया गया, जैसे कि मैंने बताया कि इसके जो फिन्स है उस फिन्स के ऊपर जो है एक प्लास्टिक का कवर यूज किया गया है, जो कि एक तरह से जो है एयर को डायरेक्शन भी देता है आउटर साइड में, यहाँ पे सामने से एयर को खींचता है ये और साइड से भी ये हॉट एयर को जो है बाहर फेंकता है, क्योंकि एक कटआउट दिया गया है यहाँ पे साइड में, ताकि वहाँ से भी एयर जो है गर्म हीट जो है वो बाहर निकलता है आपका। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है एक टेक्नोलॉजी और दी गई है, यहाँ पर आपको थर्मल सेंसर का यूज किया गया है, इसके जो
आप देखेंगे यहाँ पे जहाँ पे कॉपर के जो बेस प्लेट है इनका, उस बेस प्लेट के अंदर में एक थर्मल सेंसर यूज किया गया है, वो डायरेक्टली कनेक्ट रहता है आपके आरजीबी जो एलईडीज हैं उससे। यहाँ पे आपको ये सुविधा दी गई है कि आप डायरेक्टली, आप जब भी आपका प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट करता है और जब कूलर को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट कर रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है आपकी आरजीबी जो इफेक्ट है उसको पूरी तरीके से रेड कर देगा, और जब ये नॉर्मल कंडीशन में रहेगा तो वो ब्लू इफेक्ट में रहेगा। तो इसको आप जो है, कंपनी आपको एक आरजीबी हब प्रोवाइड कराती है उसके जरिए कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये फंक्शन भी काफ़ी अच्छी खासी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे मैं अदर फीचर्स की बात करूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो ये आपका कूलर है वो ऑलमोस्ट सारे के सारे सीपीयू सॉकेट को जो है सपोर्ट करता है, चाहे वो एएमडी से हो चाहे वो इंटेल से हो। अगर मैं इसकी फैंस की बात करूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फैंस में आपको मिल जाता है 650 से लेके 1800 आरपीएम तक की फ़ैन स्पीड इसके साथ में आपको मिल जाती है। फैन की जो आपकी एयर फ्लो है उसकी बात करूँ, तो यहाँ पे फैन की एयर फ्लो आपको मिल जाती है 53.38 CFM का फैन का फ्लो मिल जाता है। अगर वहीं पे स्टैटिक प्रेशर, फैन की एयर प्रेशर की बात करूँ, तो यहाँ पे 1.65 mm H20 का स्टैटिक प्रेशर के साथ में आपको ये फैन मिल जाता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी वारंटी की, तो कंपनी की तरफ से आपको अप्रॉक्सीमेटली 5 ईयर का जो है आपको वारंटी मिल जाती है। और अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे प्राइसिंग जो है थोड़ा बहुत जो है इंडिया के अंदर में जो है स्टेट टू स्टेट भी जो है डिपेंड करता है, डीलर टू डीलर भी डिपेंड करता है, बट मैंने जहाँ तक सर्च किया है तो अप्रॉक्सीमेटली 4500 से लेके ये 5600 के आसपास के जो रेंज में आपको मिलेगा। कहीं पे 200-400 रुपये कम भी मिल सकता है, कहीं पे 200-400 रुपये ज़्यादा भी मिल सकता है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है तो ये हमेशा जो है फ्लक्चुएट होता रहता है इसका प्राइसिंग, तो एग्जैक्ट प्राइसिंग कभी भी जो है नहीं बताया जा सकता। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, ये जो है एक मिड साइज़ कूलर है, यहाँ पे ना तो ये काफ़ी हाई लेवल का या काफ़ी ऊँचा जो है टावर वाला कूलर है, ना ही एकदम जो है कॉम्पैक्ट है, मिड साइज़ का कूलर है जो कि काफ़ी लुक में काफ़ी अच्छा है। साथ के साथ अगर परफॉर्मेंस की बात करूं, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस में आपको काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्मेंस इसका देखने को मिला है मुझे। मैक्सिमम जो है आपको जो है 82 डिग्री या 83 डिग्री तक मैक्सिमम टेम्परेचर इसका मैंने देखा है, जो हैवी लोड अगर आप डालते हैं अपने सिस्टम के ऊपर में, काफ़ी ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर वगैरह आप यूज़ करते हैं, तब जाके ये मैक्सिमम टेम्परेचर देखने को मिलता है। अदरवाइज़ अगर एवरेज देखेंगे, तो यहाँ पे एवरेज आपको 34-36 डिग्री के बीच में एवरेज टेम्परेचर इसका रहता है, तो ये नॉर्मल कंडीशन में इसकी टेम्परेचर। तो परफॉर्मेंस के मामले में जो है कोई दिक्कत नहीं है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा खासा है और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिली, क्योंकि 6 mm के जो है इसके अंदर कॉपर पाइप यूज किए गए हैं जो कि कूलिंग में काफ़ी आपको मदद प्रोवाइड कर रहा है। साथ के साथ में रेपुटेटेड ब्रांड है, कूलर मास्टर के कई सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो कि काफ़ी जो है बेटर कूलिंग प्रोवाइड कराते हैं, उसी में से जो है एक लेटेस्ट जनरेशन का ये आया है, तो काफ़ी अच्छा खासा जो है आरजीबी इफेक्ट भी मिल जाता है। तो मे बी ये जो है आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी भी कहला सकता है, बट वो डिपेंड करता है कि भाई आप किस नज़रिए से इस कूलर को देखते हैं। तो यही सारा कुछ था फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी टाइप के दूसरे कॉन्टेंट के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।